दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दोस्तों न्यू पेटीएम अकाउंट कैसे बना सकते हैं। बनाने के साथ साथ दोस्तों आप इसमें बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को पैसा किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आजकल दोस्तों क्या हो रहा है कि सारे लोगों के पास दोस्तों ऐसा कोई बंदा नहीं है जिनके पास पेटीएम है, ठीक है। ऐसा कोई बंदा नहीं है दोस्तों कि जिनके पास पेटीएम नहीं है, हर बंदा यूज़ कर रहा है पेटीएम। तो आप क्यों पीछे रहोगे भाई, आपको भी यूज़ करना चाहिए। अगर पेटीएम वाली अगर आपने वीडियो पहले देखी हुई है दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ा सा हट करके होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं सारा टॉपिक में कवर करने वाला हूं कि किस तरीके से आखिर आप लोग यानी कि एक नया पेटीएम अकाउंट बना के बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक करेंगे, कैसे पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे, और यहां पर बहुत सारे चीज़ यहां पर जैसे कि रिडीम कोड और गैस कनेक्शन का बिल आप कैसे पे करेंगे, सारा फ्यूचर जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते दोस्तों, तो आपको भविष्य में दोस्तों कभी भी ऐसा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो के लिए लाइक जरूर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेटीएम एप्लीकेशन का जो लिंक है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो आपको वहां पर 20 रुपये का कैशबैक आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा। अगर आपके पास पहले से पेटीएम एप्लीकेशन है तो आपको उसे डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद जो मैंने लिंक आपको दिया हुआ है उसी लिंक से आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है, ताकि जो कैशबैक है दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इसे हम 100% डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद डाउनलोड जैसे हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या क्या करने वाले हैं सारा से सीखेंगे। तो चलिए इसे पहले डाउनलोड होने देते हैं। फाइनली दोस्तों डाउनलोड हो चुका है, जस्ट यहाँ पर हम ओपन में क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे, आपके पास आपके डिवाइस में जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको रिडायरेक्ट करा देगा, या अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है दोस्तों तो आपका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल करके इसे अलाउ करना है। चलिए मैं अलाउ कर देता हूँ, फिर से अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा आपके आपके डिवाइस के साथ कि आपका मोबाइल इसमें लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरीके का लॉक का आपको एनिमेशन आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसे यस करके लॉक का परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम दे देते हैं। अब देने के बाद दोस्तों आपके पास आपका इस तरीके का पेज आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इस पर बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें। तो बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपके पास आपका इस तरीके का डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देने को मिल रहा है मुझे, और यहाँ पर आपको क्या एक ऑप्शन से मिलेगा, पेमेंट सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास आपका इस तरीके का पेज आ जाएगा, अगला पेज निकल करके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देने को मिल रहा है, UPI लिंक योर बैंक अकाउंट, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरीके से होना दिखना चाहिए। UPI लिंक बैंक अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इस तरीके का डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हमने पहले से लिंक किया हुआ था, तो ये हमें ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम इसे लिंक करने के लिए यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट जो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपका है वो रिडायरेक्ट आ जाएगा, आपका यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट होगा आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होगा वो आपका आ जाएगा। अगर आप फोन पे इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं गूगल पे, तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों देखने के लिए। उसके बाद आपके पास आपका यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, तो बैंक डिटेल में यहाँ पर भी मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छा वाकई में यहाँ पर हमें चाहिए क्या। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा बैंक अकाउंट आपका है। तो हमारा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक है, आपका जो भी बैंक होगा यहाँ सब सर्च कर लेना। अगर आपको बैंक नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सर्च बार में क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो हम चलिए यहाँ पर इसे लिंक कर लेते हैं। तो लिंक करने के लिए दोस्तों हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक ये आ जाएगा इस तरीके का। अगर आपके पास दोस्तों आपका UPI पिन बना हुआ है तो आपको यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आएगा। अगर UPI पिन नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास आपका अपना ATM कार्ड का नंबर मांगेगा और एक्सपायरी डेट CVV, और यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन जाएगा। बनने के बाद दोस्तों यहाँ से आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना पासवर्ड डाल करके चेक कर लेते हैं।
जैसे चेक करते दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस होगा हमारा यहाँ पर शो करा देगा। अब रही बात दोस्तों यहाँ पर हम लोग का जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब किसी को हम पैसा देने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, किसी शॉप पर आप जाते हैं तो स्कैन में जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ करेंगे फर्स्ट टाइम, यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक आपका स्कैनर में आ जाएगा। तो जो भी आपका स्कैन होगा यहाँ पर आपका ले लेगा। उसके बाद यहाँ से आपको यूपीआई पिन जिससे आप पैसा चेक किए थे उसी यूपीआई पिन से आपका यहाँ पर पैसा भी चेक हो जाएगा। दूसरा में आप मोबाइल नंबर में क्लिक करके आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं डाल के दिखाता हूँ मोबाइल नंबर मैंने एक अपने व्यूअर का डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों डालने के बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमें ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके फिर से लिंक कर लेंगे। आपका अगर लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर नहीं मांगेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको मांगेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग पैसा दे सकते हैं और उसका जो हिस्ट्री होगा आप यहाँ से बैलेंस हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि आपने किसको किसको पैसा दिया है। आपका यहाँ पर हिस्ट्री दिख जाएगा, ऊपर में आपका वॉलेट दिख जाएगा और यहाँ से आप लोग बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो आप लोग मोबाइल रिचार्ज में क्लिक करके मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। और जो भी नंबर होगा आपको डालने के बाद रिचार्ज आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको डीटीएच सारा चीज़ का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग एक न्यू पेटीएम अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।